इमाम साहब की तनख्वाह इस महंगाई में 1 लाख होनी चाहिए, मौलवी साहब की भी इतनी ही होनी चाहिए, 80 से 90 80 1 लाख। जो चंदा नहीं देते उनसे जोरी लिया जाए, मौलवी साहब को भी दे दो 40-50, वो भी बेचारा गरीब आदमी। इमाम साहब की तनख्वाह तकरीबन 30-35 हज़ार तो होना चाहिए सर, देना चाहिए। अब दूसरी जगहों पे भी देते हैं तो मस्जिद के अंदर भी देना चाहिए, हिस्सा डालना चाहिए अपना। 40 से 50 हज़ार तो होनी चाहिए, मौज़िन साहब का भी घर बार है तो उनकी भी कम से कम 30 हज़ार तो होनी चाहिए। 50 रुपये रोजाना का हम चंदा बांधे मस्जिद के अंदर, 35 हज़ार रुपये। मौज़िन साहब की तो ज्यादा जिम्मेदारी है, ज्यादा होनी चाहिए। चंदा भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अवाम ज़कात और चंदा देने में नंबर 1 पे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं हूं आपका मेज़बान वसीम खान और आप देख रहे हैं WK न्यूज़। नाज़रीन, हमारा अवामी सर्वे जारी है। सवाल ये है कि इमाम साहब की तनख्वाह और मौज़िन साहब की तनख्वाह कितनी होनी चाहिए। नाज़रीन, ये एजाज़ अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ और सिर्फ WK न्यूज़ को हासिल है। इस इशू को हमने उठाया और आज हमारा ये 6ठा प्रोग्राम है। तो आइए ज़रा आवाम से, लोगों से, दुकानदारों से, ठेले वालों से पूछते हैं कि इमाम साहब की तनख्वाह कितनी होनी चाहिए और मौज़िन साहब की तनख्वाह कितनी होनी चाहिए। मुझे बताएं कि इमाम साहब की तनख्वाह कितनी होनी चाहिए। जिस तरह के महंगाई का हिसाब चल रहा है, मेरे ख्याल से तो कम से कम 30 हज़ार रुपये। और मौज़िन साहब की, मौज़िन साहब की 25 लगा लें 20 लगा लें। खैर, गुजारा उसमें भी नहीं है। अच्छा, अभी तक हम एक इशू लेकर चल रहे हैं, आज हमारा 6ठा प्रोग्राम है ना, कि इमाम साहब की तनख्वाह कितनी होनी चाहिए और मौज़िन साहब की तनख्वाह कितनी होनी चाहिए। कम से कम इमाम साहब की कितनी होनी चाहिए? कम से कम 30 हज़ार रुपये तो हों। और मौज़िन साहब, मोदीन साहब की भी जो है 25 से 30 हज़ार रुपये होने चाहिए उनके भी। इमाम साहब की होनी चाहिए 20-25 से होनी चाहिए, मोदीन साहब की कम से कम भी होनी चाहिए 25-30 से होनी चाहिए। इमाम साहब की तनख्वाह कितनी होनी चाहिए? आसान सी बात है, इतनी होनी चाहिए। एक वज़ीर आज़म की होती है, एक चीफ जस्टिस साहब की होती है, एक आर्मी स्टाफ की होती है, कम अज़ कम इतनी तनख्वाह तो होनी चाहिए। और मोदी साहब की सबकी इतनी तो बराबर की होनी चाहिए। टंडो आज़म की मक्की मस्जिद देखें आप, ये टंडो आज़म की मक्की मस्जिद है, बहुत बड़ी मस्जिद है। इसका ये मेन गेट के साथ ही खड़ा हूँ और जहाँ पर मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, यहाँ पर एक इससे थोड़े से आगे जाएंगे तो कारोबारी हजरात हैं यहाँ पर, और उनसे ही बातचीत करेंगे इस मौजू पर। क्या नाम है? इमाम साहब और मौज़िन साहब की तनख्वाह कितनी होनी चाहिए? कम से कम भी 20 से 25 हज़ार। इमाम साहब की तनख्वाह तकरीबन 30 हज़ार रुपये होनी चाहिए। और मौज़िन साहब की? मौज़िन साहब की 20 हज़ार। तकरीबन 40 से 35 हज़ार। और मौज़िन साहब की? उसकी भी 30-25। इमाम साहब की तनख्वाह होनी चाहिए 30 हज़ार रुपये। और मौज़िन साहब की? 25 हज़ार रुपये। अच्छा, मुझे एक चीज़ मेरे समझ में नहीं आती यार, मैंने कई मसाजिदों में जो ना मैं मालूम की तो चंदा नहीं देते यार लोग, क्या वजह है? बहुत कम लोग चंदा देते। ये तो उनको पता होगा जो नहीं देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम तो देते हैं। बिल्कुल चंदा देना चाहिए, मस्जिद के जो अखराजात हैं उस मद में देते हैं। बंदा यही सोच ले कि जी मस्जिद में हम जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए और उसका पानी भी इस्तेमाल करेंगे, वजू बनाते वक्त नमाज पढ़ेंगे तो पंखा भी चलाएँगे, लाइट का भी इशू होता है, तो देना चाहिए मेरे ख्याल। तकरीबन 45 हज़ार रुपये, कम से कम 30 हज़ार रुपये। भाई जिन जो चंदा नहीं देते साहिब हैसियत हैं उनको देना चाहिए, जो गरीब आदमी उनको भी 10-10 करके देना चाहिए। हर पे उनका हम पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, नाइट का पंखे इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं देते तो हमारी अपनी बेवकूफ़ी है। इमाम साहब की तनख्वाह ज़्यादा होना चाहिए बेचारे की, कम से कम भी 40-50 हज़ार रुपये तो होना चाहिए। और मौज़िन साहब उसकी कम से कम 25 हज़ार रुपये होना चाहिए। अच्छा यार, मुझे ये बताएं कि मेरा ये प्रोग्राम चलते हुए तकरीबन जो ना वो 6ठा प्रोग्राम है मेरा ना, पांच प्रोग्राम मैं कर चुका हूँ। इससे पहले आपने किसी चैनल पर, किसी अखबार में, किसी प्रिंट मीडिया पर कोई इशू देखा है इमाम और मौज़िन के हवाले? सही, इसका तो कोई करता ही नहीं है, ये तो आपकी माशाल्लाह आपने अच्छी बात को छेड़ी है। देना चंदा दें, ये नहीं कि नहीं दें, क्या फ़र्क पड़ता है? देना चाहिए, बेशक देना चाहिए। नहीं, क्या कहेंगे इमाम साहब की तनख्वाह कितनी होनी चाहिए? कम अज़ कम गवर्नमेंट के हिसाब से 33 हज़ार होनी चाहिए। और मौज़िन साहब? इक्वलिटी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए ना। हाँ, सेम होनी चाहिए, रात के हिसाब से तो होनी चाहिए ना, कम से कम 20-25 तो होनी चाहिए, 20-25। और मौज़िन साहब? मौज़िन साहब की भी वो तो खर्चा तो जाहिर सी बात दोनों का बराबर ही होगा, मस्जिद में देना चाहिए चंदा, इस चंदे की वजह से तो मस्जिद चलती है। उसमें कम 100 तो दे दें यार, इतना इनका खर्चा जो है इसी से निकलता है भाई। ऑलरेडी होली है, कम से कम 25 से 30 हज़ार होनी चाहिए। और मौज़िन साहब की? मौज़िन साहब की कम से कम इसी के बराबर ही होनी चाहिए। हर एक को चंदा देना चाहिए, मुझ समेत, आप समेत, सबको देना चाहिए, कम या ज़्यादा लेकिन देना चाहिए। देना जरूर, ये नहीं कि दे ही नहीं मिले, नहीं देने, बिल्कुल देना चाहिए। इमाम साहब की तनख्वाह तकरीबन 30-35 हज़ार तो होना चाहिए। मौज़िन साहब? मौज़िन की भी 25 हज़ार तो होनी चाहिए। लोग चंदा नहीं देते मस्जिद में, देना चाहिए तकरीबन? देना चाहिए, अब दूसरी जगहों पे भी देते हैं तो मस्जिद के अंदर भी देना चाहिए, हिस्सा डालना चाहिए अपना। हफ्ते में भी 100 भी दे देंगे तो कोई मसला नहीं है। इमाम साहब की तनख्वाह जिस हिसाब से मेहनत है उस हिसाब से तो 40 से 50 हज़ार तो होनी चाहिए। अच्छा, मौज़िन साहब कितनी होनी चाहिए?
मौजिन साहब का भी घर बार है तो उनकी भी कम से कम 30,000 तो होनी चाहिए। ख़ास करके पहले तो सबसे पहले अपने आसपास की मस्जिद का ही ख्याल करना चाहिए उनको, जो पड़ोस की मस्जिद है जितना हो सके, क्योंकि हम एक नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं तो कम से कम एक 10 से 15 मिनट पंखे के नीचे बैठते हैं, तो इतना तो हो कि कम से कम कुछ नहीं कि रोज़ाना एक यूनिट तक के पैसे तो दें, 30 से 40 50 रुपये रोज़ाना का हम चंदा बांधें मस्जिद के अंदर, तकरीबन इतना तो होना चाहिए। इमाम साहब की तनख्वाह कम से कम 50,000 रुपये होना चाहिए, और मौजिन साहब मौजिन कम से कम 25,000 50,000 चाहिए, और मौजिन साहब 80,000। अच्छा, अपील करने की चंदे की हो तो चंदा करें मस्जिद के लिए, महीने की होनी चाहिए 30-40,000 रुपये होनी चाहिए, और मौजिन साहब मौजिन की होनी चाहिए 20-25,000 होनी चाहिए। देना चाहिए चंदा? देना चाहिए, चंदा नहीं देते यार लोग मस्जिद में, ज़्यादातर लोग ना, तो क्या कहेंगे सवाल, अपील करेंगे लोग? हाँ देना चाहिए 30,000, और मोदी साहब उसकी भी तकरीबन 2500 यार देना चाहिए, चंदा देना चाहिए, ठीक वैसे होनी चाहिए 30,000 रुपये कम से कम भी, इमाम साहब की भी और उसकी दोनों की कितनी होनी चाहिए? कम से कम 30,000 तो होनी चाहिए, और मोदी साहब की? मोदी साहब की 25-26,000 तो होनी चाहिए। अच्छा, चंदा नहीं देते बहुत सारे लोग, क्या कहेंगे चंदे के हवाले, देना चाहिए? बस यही कहेंगे अल्लाह पाक हिदायत दे। पेश इमाम की तनख्वाह कम से कम मौजूदा वक्त में 25,000 रुपये होनी चाहिए, और मोदी साहब की? मोहसिन की भी कमो पेश इतनी होनी चाहिए, कम से कम 30,000 रुपये होनी चाहिए, और मोदी साहब की? मोदी की 25,000। जुम्मे के दिन जो चंदा होता है कम से कम 100 रुपये फी बंदा, 100 रुपये चंदा देवे। मस्जिद के पेश इमाम की तनख्वाह कितनी होनी चाहिए? कम से कम 30,000 रुपये, और मोदी साहब? मोहसिन की भी अखराज तो दोनों के बराबर होते हैं, बराबर होनी चाहिए। हाँ बराबर होनी चाहिए। अच्छा, मुझे मोहसिन का काम मेरे ख्याल में ज्यादा होता है इमाम से, मौजन इमाम दोनों ही पाबंदी मगर मौजन का ज्यादा होती है, मौजन से हम सफाई भी करवाते हैं, बाथरूम भी साफ करते हैं, सब कुछ करते हैं, मौजन की उसूलन तो ज्यादा नहीं तो कम से कम बराबर तो। मेरा जो शेड्यूल बजट बना हुआ है ना उसमें पाबंदी से मस्जिद मदरसे के लिए मैंने वो मुकर्रर किया हुआ हर महीने निकालते हैं, मैं खुद तनख्वाहदार हूँ तो ये करना चाहिए, हर किसी को करना चाहिए। अच्छा सर, इससे पहले आपने ये इशू किसी चैनल पे, किसी अखबार में, किसी प्रिंट मीडिया पे? नहीं, कभी नहीं देखा, बिल्कुल नहीं देखा। तो ये इजाज़ हमारे को डब्ल्यू के न्यूज़ का हासिल है, क्या कहेंगे डब्ल्यू के न्यूज़ के? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी आपने पॉइंट जो चॉइस की है, बहुत अच्छी पॉइंट की है। मस्जिद के पेश इमाम की कम से कम सरकारी जो है वो तो होनी चाहिए 33,000 रुपये, और मोदी साहब की भी इतनी या थोड़ी कम होनी? इतनी होनी चाहिए, मोदी साहब की तो ज्यादा जिम्मेदारी है, ज्यादा होनी चाहिए। नहीं ऐसा नहीं है, बाद मस्जिदों की प्रॉपर्टियां भी है, जैसे अपने फारूकी मस्जिद की प्रॉपर्टी है टंडो आदम में, मक्की मस्जिद की प्रॉपर्टी है, उनसे भी मस्जिदों की आमदनी आती है, तो उसमें से भी ये पे कर सकते हैं। चंदा भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के आवाम ज़कात और चंदा देने में नंबर वन पे। इससे पहले आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे या प्रिंट मीडिया पे इस इशू को देखा आपने? बिल्कुल भी नहीं। ये हमारा डब्ल्यू के न्यूज के हवाले से क्या कहेंगे? अच्छी बात है आपने उनके लिए इशू उठाया है, अला करे उनके इशू आपके इशू उठाने उनकी के लिए बेहतरी हो जाए। इमाम साहब की तनख्वाह इस महंगाई में 1,00,000 होनी चाहिए मेरे ख्याल के हिसाब से। अच्छा, मोहसिन साहब की? मोहसिन साहब की भी इतनी ही होनी चाहिए, 80-90-80-1,00,000। जो चंदा नहीं देते उनसे जोरी लिया जाए। वही भाई भी विरोही साहब गिरते 1,00,000 रुपये होने चाहिए इमाम साहब, मतलब होना तो ऐसे ही चाहिए। मेरे हिसाब से 40-50,000 रुपये होनी चाहिए, और मोदी भाई का थोड़े मोहसिन साहब को भी दे दो 40-50, वो भी बेचारा गरीब आदमी। तो आपने देख लिया कि तनख्वाह कितनी होनी चाहिए इमाम साहब की और मोदी साहब की। अच्छा, मुझे इसी के साथ दीजिए इजाज़त, मेरा कैमरा मैन उज़ैम राजपूत के साथ वसीम खान, डब्ल्यू के न्यूज़।